मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व सभापति ने अपने साथियों की मदद से तलवार से एक युवक के दोनों हाथ काट दिए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाड़ से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पुराने झगड़े को लेकर गुस्से में पूर्व सभापति ने एक युवक का दोनों हाथ काट दिया। इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त मुरबाड़ में जब देवपे गांव का युवक सुशील भोईर 27 वर्षीय मुरबाड़ 12वीं डैम रोड से रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी मुरबाड़ पंचायत समिति के पूर्व सभापति श्रीकांत धूमल अपने साथियों के साथ आए और अपने कार को रिक्शा के सामने खड़ा कर दिया, उसकी रिक्शा रोक दी। सुशील को जबरन रिक्शे से बाहर निकाला और उसे मुरबाड़ के घने जंगल में ले गए, जहां तलवार से वार कर उसके दोनों हाथ काट दिए। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है और पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। मुरबाड़ पुलिस स्टेशन में श्रीकांत धूमल समेत उनके साले अंकुश खरीक, नितिन धूमल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभी तक आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।